केवल रामायण गलत है, रामचरितमानस गलत है, मनुस्मृति गलत है, ये सब कह के समय नहीं काटिए। सवाल तो होंगे, पत्रकार सवाल पूछेंगे। बहन मायावती जी पूरी तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ बोलती हैं और बिल्कुल सही बोलती हैं। पक्षियां समझती है कि चमन बदल गया, सितारे समझते हैं कि गगन बदल गया, लाश वही पुरानी है, केवल कफन बदल गया। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आप सब बिहारी सुल्तान चैनल पर बने रहें। जो नए दर्शक हैं उनसे एक गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बड़ी अच्छी अच्छी कंटेंट्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। बहुजन समाज की जो समस्याएं हैं उसके तरफ ध्यान किसी को नहीं है। जो भी सत्ता में आता है सबके सब ध्रुवीकरण करके, सवालों से बचने के लिए ध्रुवीकरण करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री क्या ये जवाब देंगे कि बिहार में जो विद्यालय है, जो एससी एसटी के जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या उन्हें पोषाहार मिलता है? क्या उनके पास किताबें हैं? क्या उनके स्कूल के शिक्षक समय से स्कूल में आते हैं? ये जवाब उनके पास नहीं होता। जब सवाल किया जाता है तो उन्होंने एक सगुफा छोड़ दिया कि रामचरितमानस ने हमें अपमान किया। रामचरितमानस हो अथवा कोई भी ग्रंथ हो, जो भी पुरानी परंपरा है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, सबने अपमान किया। लेकिन साहब, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और संविधान का अनुच्छेद 15 ये कहता है आप किसी के साथ अवहेलना नहीं कर सकते, किसी के विश्वास के ऊपर ठेस नहीं पहुंचा सकते, चाहे कोई भी धर्म हो। उसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आप हिंदू धर्म की आलोचना कीजिए, बाकी धर्म का आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। देशवासी सब एक समान है, चाहे वह सनातन धर्म हो अथवा इस्लाम हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी की आप आलोचना नहीं कर सकते, किसी की आहत नहीं कर सकते, किसी को आप आहत नहीं पहुंचा सकते। अगर आप सोचते हैं ये आहत पहुंचाकर ध्रुवीकरण की राजनीति हम कर लेंगे तो सवाल तो होंगे। 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होगा और नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, सवाल उनसे भी होगा कि बिहार का जो एससी एसटी वर्ग है शिक्षा से इतना दूर कैसे? क्या उनके विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से? क्या उन्हें पोषाहार मिलता है, उनके कपड़े मिलते हैं, वजीफा मिलता है कि नहीं? ये सब सवाल होंगे। आप यह कहकर नहीं अपने आप को बच सकते हैं कि आपको मंदिरों में नहीं चढ़ने दिया गया, आपको रामचरितमानस ने अपमान किया। पूरा समाज में ऐसी व्यवस्था पहले से बनी हुई थी कि एससी एसटी को हर जगह अपमानित किया गया, लेकिन आप कब सम्मानित करेंगे ये बताइए। नीतीश कुमार की जो सरकार है बिहार में, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, वो यह बताएं कि एससी एसटी वर्ग को कब कब कहां कहां उन्होंने सम्मानित किया है। अपमानित तो रामचरितमानस ने किया है, सही है। आपने बोला ध्रुवीकरण करके माहौल गर्म करने की कोशिश की और भाजपा कार्यकर्ता गोलबंद होने लग गए और डिबेट शुरू हो गया हिंदू मुस्लिम का। भाई शिक्षा मंत्री ने अपमान किया, क्यों किया, माफी मांगो, नीतीश कुमार जवाब दे, तेजस्वी यादव जवाब दे, इस तरह का डिबेट शुरू हो गया। क्योंकि जो असली डिबेट है उसको दबाने के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, बहुजन समाज के लोग आपसे सवाल करेंगे, उनके साथ नाइंसाफी होती है, प्रशासन में भी नाइंसाफी होती है, स्कूल में उनके बच्चों के देह पे कपड़े नहीं होते हैं, ठंड का मौसम है, आपने इस ठंड में क्या क्या व्यवस्था किया है शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के लिए, बहुजन समाज के लिए, ओबीसी के लिए, आपने माइनॉरिटी के लिए कितना काम किया है, अल्पसंख्यकों के लिए? ये जवाब दीजिए। केवल रामायण गलत है, रामचरितमानस गलत है, मनुस्मृति गलत है, ये सब कह के समय नहीं काटिए। सवाल तो होंगे, पत्रकार सवाल पूछेंगे। बहन मायावती जी पूरी तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ बोलती हैं और बिल्कुल सही बोलती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार 5 किलो चावल गेहूं जो दे रही है वह एक वोट पाने का रास्ता है।
रही बात ये बिहार में, जो राज्य सरकार है जो अपने तरफ से पैसे लेकर राशन देती है वो बंद कर दिया है, केवल केंद्र सरकार देती है 5 किलो। तो ये वोटों की राजनीति है और बसपा अपने पुराने ट्रेंड पे निकल पड़ी है। उनके पास एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और इनके जो दर्द हैं, जो इनकी तकलीफें हैं, उसके लिए बहन मायावती जी आवाज उठाती हैं, सबको गोलबंद कर रही हैं। और सामने लक्ष्य है 2024 का लोकसभा। और अगर नीतीश कुमार के दिमाग में यह चल रहा है या उनकी सरकार के दिमाग में कि ध्रुवीकरण करके हमें अच्छा खासा वोट मिलेगा, तो जातिगत जनगणना होने के बाद सबको समझ में आ जाएगी गरीबी कहाँ कहाँ है, अमीरी कहाँ कहाँ है। जो गरीब हैं करीब करीब हर वर्ग में है और अमीर जो हैं वह भी हर वर्ग में है। गरीबी अमीरी कभी भी जाति देख के नहीं होती, लेकिन आप सवाल से नहीं बच सकते। सत्ता आती है तो आप उनके लिए कुछ काम कीजिए, बगैर काम के केवल ध्रुवीकरण करके और एक अफवाह छोड़ देना। कांग्रेस से पूछा गया आप क्या कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन में है, कहते हैं कि हम इन बातों से सहमत नहीं है। रामचंद्र सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं उनका अपना निजी बयान है। बहुत सारे शंकराचार्य भी कूद गए, वो इस मौके की तलाश में रहते हैं कोई कुछ बोले और हम डिबेट पर आए। उसके बाद जदयू के जो प्रवक्ता हैं वो सीधे कह दिए कि ये उनका निजी बयान हो सकता है, हम इनसे सहमत नहीं हैं। तो फिर निजी बयान दिए ही क्यों? क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग असंवैधानिक बातें कर सकते हैं? अगर यह जायज है तो राजेंद्र पाल गौतम जो बौद्ध धर्म स्वीकार किए वह नाजायज कैसे? क्योंकि दिल्ली में जो हुआ था घटना उसमें पूरा माहौल गर्म हो गया था। क्या यह वोटों की राजनीति थी? क्या रामचंद्र सिंह का जो बयान है बिहार के शिक्षा मंत्री का, क्या यह वोटों की राजनीति है या उससे कोई लेना देना है? कहने का तात्पर्य यह, बहुजन समाज की जो समस्याएं हैं इसके ऊपर किसी मंत्री का कोई बयान नहीं आता। और तो और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है बिहार में, लेकिन उसके ऊपर किसी मंत्री का बयान नहीं आता। और मुख्यमंत्री जी बस ये सोचते हैं शराबबंदी हो, शराबबंदी के ऊपर हम कुछ बोलेंगे, जातिगत जनगणना हो रहा है उसको हमने शुरू कर दिया, लेकिन उनके मंत्री जो विभाग बटे हुए हैं वहां क्या क्या कार्य हो रहा है इसका ब्यौरा देने के लिए कोई मंत्री तैयार नहीं, जबकि बिहार में हालात खराब हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में जो शासन व्यवस्था है वो सही होगी? कहीं से नहीं सही नहीं है, क्योंकि हर जगह समस्याएं होती हैं और समस्याएं ऐसी ऐसी है जो दबी हुई है, जिसको पूछने वाला कोई नहीं। कुछ लोग सिसकियां भर रहे हैं क्योंकि उनका सुनने वाला ही कोई नहीं है। बहुजन समाज के नेता इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, वो पावर में नहीं है, और यह कहकर वो अपनी आप को जान बचा लेते हैं। प्रश्न यह उठता है, बहुजन समाज निराश है, परेशान है, अपने दम पर सबके सब जी रहे हैं और तंग आकर गुस्से में आकर वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं कि बहुजन समाज के फला नेता मिशन से भटक गए, फला नेता हमारा काम नहीं किया, क्योंकि ये नेता कभी पहुंचते ही नहीं, कभी किसी की सुनते ही नहीं, और यूं कह सकते हैं ये सुनने योग्य भी नहीं है क्योंकि पावर में नहीं है। ले देकर बहुजन समाज समस्याओं से ग्रस्त है और इन्हें सुनने और देखने वाला कोई नहीं। जो बैठे हुए पावर में वो चाहते हैं कि ध्रुवीकरण करके और हम सत्ता में आ जाए, वो ओबीसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ओबीसी को ओबीसी कहने के लिए तैयार नहीं है, हिंदू बताकर हिंदुत्व का राग अलाप कर चाहते हैं हमारा वोट बैंक बहुत बड़ा हो जाए। कभी भी जो भाजपा के नेता है वो ओबीसी को पर्टिकुलर जगह है उसको जो आरक्षण चाहिए इस पे बात नहीं करते, वो उन्हें हिंदू बताकर खुद में शामिल कर लेते हैं। इस तरह की चालाकियां हर जगह हो रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।